हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक लेक हाउस के अंदर हम जो डेल्टा टेबल्स को स्टोर करते हैं वो हम दो तरीके से रख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो डेल्टा टेबल्स हैं वो दो तरीके से मैनेज की जाती हैं। एक को हम बोलते हैं मैनेज टेबल और दूसरे को एक्सटर्नल टेबल। ठीक है, दोनों के क्या फीचर्स हैं और कब हमें कौन सी क्रिएट करनी चाहिए, राइट, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं। और देखिए, ये हमने लास्ट टाइम जो हमने ओपन किया था डेल्टा, वो हमने ओपन किया हुआ है यहाँ पर। ठीक, अब इस नोटबुक में जाते हैं तो देखो, यही इसी ऑप्शंस में हमारे पास, इसी मेथड में देखिए, तो जो हमने इस तरीके से जो ऑप्शन से हमने कमांड से हमने कमांड कह लीजिए या फिर कोई कोडिंग कह लीजिए, इससे हमने डेल्टा टेबल क्रिएट की थी, राइट, स्पार्क से। और ये टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गई थी और हम इस पर ओपन करके हम इसके, तो यहाँ पर नहीं, हम लेक हाउस में जा करके हम व्यू फाइल देख सकते हैं, तो इसके डेटा लॉग देख सकते हैं, फाइल्स देख सकते हैं, हमें सब कुछ दिख रहा है। लेकिन अगर हम इस टेबल को डिलीट कर दें यहाँ से, तो डिलीट करते ही, मैं डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट करते ही देखो, तो सारे जो जो वो भी होंगे ना हमारे, जो हमारी डेल्टा टेबल्स जो हमने बनाई हैं जिन पार्केट फाइल से, वो सब डिलीट हो जाएगा। नहीं, सिर्फ टेबल ही नहीं, वो जो हिस्ट्री बन रही थी सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर हम, क्या होगी अगर हम वो लॉग तब भी रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो लॉग जो फाइल्स जो क्रिएट हो रही हैं वो फाइल तब भी हमारे पास रहें, भले ही हमें किसी रीजन से टेबल डिलीट करनी पड़ती है, तो इस फीचर को हम यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल टेबल की हेल्प से। तो कोई एक्सटर्नल टेबल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे हम शॉर्टकट्स काम करते हैं कि बाहर की किसी टेबल को हमने क्रैक कर लिया है तो उसे हम एक्सटर्नल टेबल कहेंगे, नहीं। यहाँ पर बस उसका मैनेज करने के तरीके से को हम बोल रहे हैं, यानी कि एक टेबल, सारे फीचर सेम होंगे, स्पीड वगैरह सब कुछ सेम ही है यहाँ पर। बस फर्क ये है कि हम जब राइट क्लिक करते हैं और व्यू फाइल करते हैं, तो ये जो फाइल मैनेज की जा रही है वो इंटरनली की जा रही है फैब्रिक के द्वारा, तो ये हमारी है मैनेज टेबल या मैनेज डेल्टा टेबल। लेकिन जब हम इसे खुद क्रिएट करना चाहते हैं, यानी हम रखना चाहते हैं उन फाइलों को कहाँ रखें, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल टेबल। अब वो कैसे क्रिएट किया सकती है, देखिए नोटबुक में ही अगर मैं इस कमांड को दोबारा से रन करूँ, तो यहाँ पर मैं ओवरराइड कर देता हूँ, और इस कमांड को अगर मैं दोबारा से रन करूँ, तो ये टेबल ऑब्वियसली यहाँ पर दोबारा से क्रिएट हो जाएगी, राइट। यहाँ पर इसे रन करने देते हैं, देखो ये रन हो गई है। तो अब यहाँ पर देखो, ये टेबल आ गई है हमारे पास और इसके अंदर हमारी व्यू फाइल करेंगे तो देखो, एक पार्केट फाइल बन गई है, लॉग भी बन गया है, सब फाइलें आ गई हैं। लेकिन ये एक मैनेज टेबल बनी है, तो देखो इसमें कुछ कोड कोड में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये है हमारी मैनेज टेबल। अब सेम कोड को मैंने यहाँ पर कॉपी किया, सेम कोड कॉपी किया है, पर एक पैरामीटर और ऐड करना पड़ेगा, और वो पैरामीटर है यहाँ पर पाथ का। और ये पाथ हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। देखिए, अगर हम ये फाइल रखना चाहते हैं इस फोल्डर के अंदर, तो हम इस फोल्डर का पाथ कॉपी कर लेंगे। हम मान लीजिए हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये वो उसका पाथ हो गया। हम चाहें तो ये पूरा ना करना चाहें तो ये लास्ट का जो है फाइल से ये भी काम कर जाएगा यहाँ पर। ये फुल पाथ कब यूज़ होगा, जब हम बाहर किसी दूसरे लेक हाउस के अंदर हैं या फिर दूसरे टेनेंट के अंदर हैं, बिल्कुल एक्सटर्नल फाइल चाहिए, राइट। तो इस इतने पाथ से ही इस फाइल को कैप्चर किया जा सकता है, राइट। तो इस टेबल का नाम अलग देंगे हम, इसका नाम देते हैं हम, इसमें ई एक्स लगा देते हैं, ये तो ये हो गया एक्सटर्नल टेबल, अंडरस्कोर लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल टेबल बन गई, ये हमारा पाथ है। अब देखो, अभी इसके अंदर तो कुछ नहीं है, अभी इसमें एक ही फाइल है सी एस वी की, और अब इस कमांड को हम रन करते हैं। ओके, तो ये देखो बन गया ये भी। अब जा करके दोबारा से इसे रिफ्रेश करते हैं, देखो न्यू फोल्डर के अंदर सीधा ही हमें देखने को मिल रहा है डेल्टा लॉग, ये देखिए। अब इस डेल्टा लॉग के अंदर ही वो जो सी एस वी थी पड़ी हुई है, लेकिन देखो ये रहा वो पार्केट फाइल और ये है वो डेल्टा लॉग। पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ और चेंजेस भी कर देता हूँ, इसी फाइल को अपेंड करवा देते हैं,
रन करवा देंगे, तो सेम डेटा जो है अपेंड हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएंगे, लेकिन हम देख पाएंगे कि क्या ये जो फाइल्स हैं वो मैनेज हो रही हैं यहाँ पर, नहीं हो रही। एक और नया लॉग बनना चाहिए और एक नई पार्केट फाइल भी बननी चाहिए। देखो एक नया लॉग बन गया है और एक नई पार्केट फाइल भी यहाँ पर बननी चाहिए। अरे देखो दो पार्केट फाइल बन गई हैं और डेल्टा लॉग में दोनों फाइलें ही बन गई हैं। और ये वो टेबल हैं जिसको हम देख रहे थे, ये वो एक्सटर्नल टेबल बन गई है। इसमें और इस फाइल में टेबल में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। बस फर्क ये है कि जो इसके बेस फाइल है वो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक मैनेज कर रहा है, लेकिन जो एक्सटर्नल फाइल है वो हम मैनेज कर रहे हैं, हमने ही फैब्रिक के अंदर ये फाइल रखी है, राइट। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इस वाले में माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है और वो इंटरनल रख रहा है उन फाइलों को, और इन जो एक्सटर्नल टेबल है उसे हम मैनेज कर रहे हैं और हमने वो फाइलें यहाँ पर एक फोल्डर में रखी हुई है। अब देखो जो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज वाली फाइल थी इसमें डिलीट करूँगा तो फाइलें डिलीट हो जाएंगी, वो जो अगर हम राइट क्लिक करके देखते हैं फाइल्स, ये फाइल्स नहीं रहेंगी जैसा अभी हमने देखा था। लेकिन अगर मैं इस टेबल को डिलीट कर दूँ, एक्सटर्नल टेबल को डिलीट कर दूँ, तो मैं डिलीट कर दी, फिर भी ये फाइलें यहाँ पर रहेंगी नीचे वाली। देखो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो इसके अंदर ये वापस ये फाइलें अभी भी हैं, ऑलरेडी ये फाइलें हैं, राइट। तो इतना समझ में आ गया हो क्लियर कि मैनेज टेबल में और एक्सटर्नल टेबल में क्या डिफरेंस है। एग्जाम में भी पूछ जाता है कुछ नहीं है, और ऑब्वियसली अगर एग्जाम में पूछ जा रहा है तो आगे इंटरव्यूज में भी पूछा जाएगा, राइट। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट या कमेंट रहता है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है टॉपमेट के लिए, वहाँ आप मेरा कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।